हेलो दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट है जो पोस्ट ऑफिस में पोस्टें आई हुई हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले आप डिटेल नोटिफिकेशन देख लीजिए आराम से। अब आपने नोटिफिकेशन सही से देख लिया होगा, अब प्रोसेस जानते हैं और कैसे अप्लाई करना उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इंडिया पोस्ट GDS रिक्रूटमेंट 2023, इसमें जो टोटल पोस्टें हैं 40,889 हैं, 40,000 पोस्टें हैं ये मान लीजिए। अप्लाई डेट है 27 जनवरी से 16 फरवरी के बीच में। आप कोशिश करिएगा कि 10 तारीख तक भर ही दीजिएगा, 10 फरवरी तक। जो करेक्शन डेट दी गई है वो 17 से 19 फरवरी के बीच में। देखिए, लेट करेंगे तो आपको समस्या होगी, क्योंकि बाद में क्या होता है, सर्वर कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। तो हमें क्या करना है, उससे पहले ही फॉर्म भर लेना है ताकि हमें बाद में ना परेशान होना पड़े। ये हो गया। अब बात करते हैं फीस की। तो जनरल OBC की तो 100 रुपया रखी गई है, लेकिन फीमेल कैंडिडेट किसी भी रीज़न से बिलोंग करती हैं उनकी 0 है, और SC ST और PWD की भी क्या है, 0 फीस है। क्लियर? अच्छा, एज लिमिट की बात की जाए तो मिनिमम 18, मैक्सिमम कितनी, 40 साल होगी। और OBC के लिए 3 साल मतलब छूट दी जाएगी रिजर्वेशन में, SC ST के लिए 5 साल एज में। अच्छा, एलिजिबिलिटी की आप बात करते हैं तो क्या योग्यता है अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो योग्यता क्या है, 10 पास आउट विथ मैथ्स एंड इंग्लिश। देखिए, ये पूरा जो प्रोसीजर है वो मेरिट पे बेस है, तो जिसका मार्क्स अच्छा होगा वही भरेगा भी। अदर लोग भी भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो टॉप में रहेगा वही वो मतलब नौकरी पा पाएगा। तो ये हो गया। नोन द लोकल लैंग्वेज। अब क्या है कि लोकल लैंग्वेज का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए राजस्थान के, तो राजस्थानी वाली लैंग्वेज चाहिए, पंजाब है तो पंजाबी आपको चाहिए, उड़ीसा से तो उड़िया आपको चाहिए, ठीक है। इस तरीके का जिस रीजन से, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ का आपका होना चाहिए, आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। कंप्यूटर एंड साइकिलिंग। कंप्यूटर तो मैंडेटरी है, कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में अब आप कहीं पर भी जाएंगे तो वहाँ पर कंप्यूटर तो आपको आना है। प्लस इस तरीके की जॉब है तो आपको साइकिलिंग आनी है कि मतलब साइकिल से भी आप जा सकें। क्लियर? अच्छा, जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या है जॉब, पहले जॉब प्रोफाइल से पहले बात कर लेते हैं किस स्टेट में कितनी कितनी सीटें हैं, फिर उसके बाद जॉब प्रोफाइल पे आते हैं। तो ये है स्टेट UT एंड पोस्टें। तो उत्तर प्रदेश में जो है 7,987 पोस्टें हैं, और उत्तराखंड की बात की जाए तो 879 पोस्टें हैं, बिहार की बात की जाए तो 1,461 पोस्टें हैं, और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 1,593 पोस्टें हैं, दिल्ली की बात की जाए तो 46 टोटल पोस्टें हैं, और राजस्थान की बात की जाए तो आपको 1,684 पोस्टें देखने को मिलती हैं, हरियाणा की बात की जाए तो आपको 354 पोस्टें देखने को मिलेंगी, हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो 603 पोस्टें देखने को मिलेंगी, और झारखंड कह रहे जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए तो 300 सीटें देखने मिलेंगी आपको, और झारखंड की 1,590 सीटें हैं, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 1,841 पोस्टें देखने मिलेंगी आपको, केरला की बात की जाए तो 2,462 आपको देखने की पोस्टें मिलेंगी, पंजाबी की बात की जाए पंजाबी तो 766 पोस्टें हैं, महाराष्ट्र की बात की जाए तो 2,508 पोस्टें, नॉर्थ ईस्टर्न की बात की जाए तो 551 पोस्टें हैं अलग अलग रीजन की, उड़ीसा की बात की जाए तो 1,382 पोस्टें हैं, कर्नाटका की बात की जाए तो 3,036 पोस्टें हैं, तमिलनाडु की बात की जाए, दिख रहा है आपको नीचे है, मैं बता दे रहा हूँ, तमिलनाडु की बात की जाए तो 3,167 पोस्टें हैं, तेलंगाना की बात की जाए तो 1,266 पोस्टें हैं तेलंगाना की, ठीक है। आसाम की बात की जाए तो 407 पोस्टें हैं, गुजरात की बात की जाए तो 2,117 पोस्टें हैं। क्लियर? अच्छा, वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो 2,127 पोस्टें हैं, और आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो 2,480 पोस्टें हैं। ये स्टेट वाइज पोस्टें हैं। क्लियर? अच्छा, अब आपने अप्लाई कर दिया तो क्या काम क्या है, तो जो जॉब प्रोफाइल है ब्रांच पोस्ट मास्टर की, ऑनलाइन या ऑफलाइन लेन देन आपका होना होगा। दूसरा, डाक उत्पाद और सेवाओं की वितरण की जानकारी होती है। तीसरा, रिकॉर्ड एवं हैंडलेट डिवाइस मोबाइल का रख रखाव आपको समझना पड़ेगा। बात करते हैं डाक सेवक की, तो स्टाम्प की बिक्री, डाक सेवक का जो प्रोफाइल है स्टाम्प की बिक्री, डाक डिलीवर जाके देना है,
रेलवे मेल सर्विस में छटाई और बिनाई का काम, ये है डाक सेवक का। ठीक। अच्छा, दूसरी क्या है? असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, इसमें मैं टिकट व स्टेशनरी की बिक्री का आपको ध्यान रखना है, डाक डिलीवरी का ध्यान रखना है आपको, सरकारी सेवाओं के घर घर जाके प्रचार का आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो सैलरी कितनी है? तो BPM की 12,000 से लेकर 29,380 रुपया है। ABPM और डाक सेवक की जो है 10,000 से लेकर 24,470 पोस्ट, मतलब वो सैलरी है। सॉरी, सिलेक्शन कैसे होगा? अगर आप ये सब कर लेते हैं, ये तो बात का हो गया। सिलेक्शन क्या है? मेरिट बेस होगा। ठीक है, आपका जो 10th का मार्कशीट है उस अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका वैल्यूएट कराया जाएगा। अब आप इससे पहले वैकेंसीज निकली है, आप उसको सही से देख लीजिएगा और जिस रीजन से हैं उसी रीजन में आप भरने की कोशिश करिएगा। क्लियर। तो बाकी आपने सही से देख ही लिया है, इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा, फॉर्म से भरने रिलेटेड डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, कुछ भी मैं बता दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।